everyone, welcome back to evithearchy.in. This is Varsha to start with and my next topic that is levels of a government. गवर्नमेंट के लेवल्स को देखते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो थ्री डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है. सबसे पहला वो काम करती है एट सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पे क्या होती है, सेंट्रल लेवल वाली हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बुला सकते हैं. इसके अंदर हम नेशन लेवल पे नेशन के जितने भी मुद्दे होंगे उनको डील किए जाएंगे. फिर आता है स्टेट लेवल, यानी हर स्टेट की अपनी एक सरकार होगी जो उस स्टेट के लिए काम करेगी, उस स्टेट के डिसीजंस को लेगी. एंड द लास्ट वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि विलेजेस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप देखोगे. ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो खुद को ही ऑर्गेनाइज करता है, खुद के लिए डिसीजंस लेता है, खुद के विलेज के लिए डिसीजंस या फिर खुद के एरिया के लिए डिसीजन लेगा. तो ये थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो नेशनल लेवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन. जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो पूरे राष्ट्र के लिए होगी. वही स्टेट लेवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दैट कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम. सो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि किसी पूरे राज्य के ऊपर अपना गवर्न करती है, किसी पूरे राज्य को गवर्न करती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर हरियाणा की या फिर राजस्थान की. तो ये जो सरकारें होंगी वो अपने अपने स्टेट्स के लिए डिसीजंस लेगी. वही लोकल लेवल के अंदर गवर्नमेंट इन विलेज, टाउन और लोकैलिटी आ जाती है. यानी कि ये जो गवर्नमेंट होगी, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो अपने विलेज, अपने टाउन, अपने लोकैलिटी, अपने एरिया के लिए सिर्फ काम करेगी. सो दिस इज योर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लॉस एंड द गवर्नमेंट. अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से लेवल पे होती है. हमने अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि कोई भी लॉ जो है, हमने बात करी थी कोर्ट के अंदर लोग क्या करते हैं, लोगों को सजा मिलती है. सो कोर्ट के अंदर क्या होगा, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो ये जो गवर्नमेंट है उसका लॉ से कैसे नाता है, कैसे ताल्लुक है, कैसे रिलेशनशिप है वो देखते हैं. सो द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो द लॉ. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का मेन काम ही यही है कि वो लॉज बनाए, रूल्स बनाती ही है बट लॉज भी बनाती है कि अगर आपको इस कंट्री के अंदर रहना है तो आपको ये चीजों का पालन करना पड़ेगा, ये लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी. सो गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स दोज डिसीजंस थ्रू पेनल्टी. सो हर गवर्नमेंट के पास एक पावर होता है जिसके थ्रू वो कोई डिसीजन लेगा और फिर उसको एनफोर्स करवाएगा, उसको लागू करवाएगा. किसके थ्रू, पेनल्टी के थ्रू, क्योंकि बिना पनिशमेंट के, बिना किसी डंडे के कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता. अच्छा इसको ऐसे समझो, अगर आपको आपकी टीचर कोई होमवर्क देती है, ठीक है, तो फिर क्या कहती है कि आपको कल होमवर्क करके लाना है, वरना क्या होगा, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा. और कैसे नहीं अच्छा लगेगा, आपके सारे फ्रेंड्स होमवर्क करके लाएंगे और फिर क्या होगा, आप नहीं होमवर्क करके लेके जाओगे तो यू विल फील एम्बैरस्ड. टीचर आपको खड़ा कर देगी और कहेगी कि देखो ये होमवर्क नहीं करके लाया है. या फिर क्या होता है, जनरली सभी ने होमवर्क कर रखा होता है और वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिसको अगर आप घर से नहीं करके लेके जाओगे तो फिर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे, है ना. तो आपके ऊपर एक डंडा है ना कि अरे मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे अगर मैं होमवर्क करके नहीं लेके जाऊंगा या जाऊंगी. सो दिस इज हाउ आपके ऊपर कुछ एनफोर्समेंट की गई है. वैसे ही हमारी जो सिटीजन है, हमारे जो बड़े लोग है, उनको भी पेनल्टी यानी पनिशमेंट की क्या होता है, डर होता है. वो भी पनिशमेंट से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई पनिशमेंट आए. सो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी वो एक न एक पेनल्टी लगाएगी, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो आपको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर एक हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा. कोई भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे, भाई हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए, हम ही पेनल्टी नहीं ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम चुपचाप से टैक्सी करके घर चले जाएंगे. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी डिसीजन लेती है उसको एनफोर्स करवाने के लिए पेनल्टी का यूज करती है. पेनल्टी क्या होगा, जेल या फिर फाइन. ओके, सो दिस इज योर कि कैसे गवर्नमेंट डिसीजंस बना के उनको इम्प्लीमेंट करवा रही है. नेक्स्ट इज विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर मेक द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज. बिना लॉज के जो गवर्नमेंट की पावर है
उसका कोई यूज नहीं है। अब लॉ के अंदर क्या होता है, वो डिसीजंस बनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया थ्रू पेनल्टी। अगर गवर्नमेंट लॉ ना बनाए, लॉ अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, लोग डिसीजंस मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको क्या लगता है, अरे मैं नहीं करूंगी तो क्या ही होगा, सभी नहीं कर रहे हैं। और अगर यही पे हम क्या करेंगे, इसको लॉ सीधा बना देंगे कोई भी डिसीजन को, तो क्या होगा, लोग कहेंगे अरे मानना पड़ेगा वरना ना एक रात जेल में बितानी पड़ सकती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, हम तो करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज हाउ लॉ के बिना जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी जो पावर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से हमेशा गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से हर जो उसका डिसीजन है वो उसके सिटीजन्स को मानना पड़ता है। सो दिस इज योर लॉ एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और लॉ का रिलेशनशिप हमने समझा। और उससे पहले हमने समझा था लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने तीन लेवल्स की बात करी थी, जिसके अंदर हमने पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन वाज लोकल गवर्नमेंट पढ़ा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस, बाय बाय।